स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टाइमलेस मज़ा आया होगा। बट अब टाइमलेस की देखने के बाद आपको तो अंदर का पता नहीं चला कि मैंने डेकोरेस कैसे किया, तो तुम लोगों को वो दिखाता हूँ मैं कैसे मैंने डिज़ाइन दिया। ओके ना, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगा। तो वॉल के हिसाब से तुम लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरह वॉल बनाया, बीच में फैंस का उपयोग किया है और ये क्या होता है स्टेयर का उपयोग किया है, और ऊपर में लैक्टन का उपयोग, लैक्टन से बेसिकली एक मस्त मतलब फील आता है जैसे कि रेलिंग टाइप का, मोटा रेलिंग का टाइप का। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ देखो डिज़ाइन दिखाता हूँ, चारों तरफ का डिज़ाइन दिखाता हूँ। इधर का भी मैंने देखो बीच में ये फैंस गेट लगा दिया है और ट्रैपडोर लगा दिया डेप्थ के लिए, और ये विंडो टाइप का मैंने बनाया था, बट विंडो है नहीं, है ही विंडो भी है कैसे नहीं। और नीचे में देखो ट्रैपडोर लगा दिया मैंने, क्योंकि अगर ट्रैपडोर तुम तोड़ देते हो, सपोज कर तोड़ देते हो, ये खाली खाली लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ट्रैपडोर लगा दो, जिससे क्या होगा कि एक डेप्थ आ जाएगा कि तेरे घर थोड़ा सा ऊपर में है। और सेम चीज़ और कॉर्नर है तो खाली खाली लगता था। ओके ना, जैसे कि ये देखो कॉर्नर पूरा खाली खाली लग रहा है, अगर तुम इस जगह पे कॉर्नर पे खाली लगा है तो यहाँ पे ये लगा दो, तो इससे क्या फील आता है, मतलब भरा भरा टाइप का लगता है थोड़ा सा। और पीछे तरफ का सीन देखो, पीछे तरफ मैंने कुछ चैन नहीं दिया है, बेसिकली ये स्टेयर है, अप डाउन स्टेयर लगा दिया मैंने, और ये साइड मैंने विंडो लगा दिया है और दो ट्रैप डोर लगा दिया है, सॉरी ट्रैप डोर बोल रहे क्या बोलते इसको, फैंस गेट। तो इसको खोल के भी रख देते हो और ऐसे भी रख देते हो, तो दोनों तरफ से डिजाइन आता है, ऐसा बात कि डिजाइन नहीं आएगा, दोनों में डिजाइन आता है देख सकते हो। ओके ना, और यहाँ पे भी एक फैंस गेट लगा हुआ है जिससे कि डेप्थ अगर नज़र आता है पतला सा एक, और लाइट लगाने के लिए मैंने सिंपल इसका उपयोग किया है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके नीचे लाइट नहीं लग सकता, इसलिए मैंने इसको ऊपर में लगाया कि लाइट लगाने के लिए, जैसे कि दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे अब लाइट लगा सकता हूँ ये हटा के, बट दिखा देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लाइट लगा सकता हूँ, मगर अब ये तोड़ के सपोज करो यहाँ पे लगाया और यहाँ पे तुम लालटेन लगाने की कोशिश करो, लालटेन नहीं लगेगा, क्योंकि लालटेन के लिए एक गैप जरूरी होता है, एक ब्लॉक। ओके ना, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये बताना जरूरी था। और मौसम हो रहा है सुहाना, रात होने को आई है, बट कोई बात नहीं। तो ये तो देख लिया, ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो ये कैंप फायर है, ओके ना, ये कैंप फायर है बेसिकली, तुम दिखा सकता हूँ ये कैंप फायर है। ओके ना, बस इसको मैंने आपको बता दिया है, मतलब आपको बताने का सिंपल तरीका है, सोवेल लो और इस पर राइट क्लिक कर दो, इससे क्या होगी तरह आग बुझ जाएगा। ओके ना, इस तरह का सीन मैंने इस तरह का भैया जैसे देख सकते हो, ये आग मैंने बता दिया। और नीचे फैंस गेट लगा दिया, क्योंकि उसको कहीं पे रखना तो पड़ेगा ना, सीढ़ी होता है, विंडो होता है, इसको स्टेयर कहीं से देना पड़ता ना, तो उस तरह दिया मैंने। और साइड साइड में क्या ट्रैप डोर लगा दिया, और ये ट्रैप डोर इसलिए लगाया कि इससे तो एक फील आता है गैप टाइप का, जैसे कोई होता ना छेद गोल उसी टाइप का। तो देख सकते हो कैसा लग रहा है, रात में तो और अच्छा लगता है देखने में ये, बट सुबह तो और ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैं एक बार दिन करता हूँ पहले फटाक देख लो। और हाँ मैंने ये इसका उपयोग किया है, क्या नाम है इसका, ब्लॉसम का, ब्लॉसम बेसिकली पार्टिकल फेंकता है, जिसे देख सकते हो पार्टिकल चारों तरफ पार्टिकल नज़र आ रहा है, उड़ता हुआ पार्टिकल जो दिख रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल जो नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल बहुत प्यारे हैं। और मैंने रोड के सिंपल मतलब सिंपल सा रोड बनाने के लिए इसका उपयोग किया है, जो कि मोस ब्लॉक है, मोस ब्लॉक को सिंपल है, आप उसके ऊपर बोन ब्लॉक मारोगे, बोन मारोगे तो वो ऑटोमेटिक पलेगा। और ये ट्री देखो मैंने छोटे छोटे पेड़ बनाए, और पेड़ बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर तुम चाहो तो इस तरह भी रख सकते हो बोन ब्लॉक का उपयोग करके, ये भी बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैम्प मतलब बालकनी में होता है ना, थोड़ा सा उस टाइप का लुक दिया है, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। ये देखो ये बहुत ज़बरदस्त लगा, गबना गर्मा के ऊपर ये और ये इसके ऊपर, तो ये एक तरह से फील आता है, डिजाइन दे सकते हो आपको। अरे हट ना, तुम नहीं घुस सकता, क्योंकि मैंने कारपेट लगाया था, विलेजर यहाँ घुस नहीं सकता है, और ना ही जॉम्बी घुस सकता है इसके अंदर। तो ये अंदर का डेकोरेशन है, अंदर का डेकोरेशन कुछ खास नहीं है, बट हाँ मतलब मैनुअल आदमी जितना होता है उतना रख दिया, जैसे कि मैंने दो चेस्ट रख दिया है,
ऊपर मैंने बेड रख दिया है, ऊपर के साइड में थोड़ा सा मैंने ये लगा के रख दिया है जो कि रूट्स है, द हैंगिंग रूट्स बोलते हैं इसको। तो ये ऑटोमेटिक सिंपल तरीका है निकालने का, जैसे कि तुम डर्ट है ओके ना, तो मैं सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे निकलता कैसे ये। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ऐसे लगाना है ओके ना, और ये पेड़ लेना है, बोन लेना है, देख सकते हो ये बन गया, ये रूट बन गया, ये मतलब जो है ना ये डर्ट बन गया, रूटेड डर्ट बन गया। अब इसे क्या ना बोनविल मारते हो ना, तो तुम्हारे नीचे मिल जाता है हैंगिंग रूट बेड। अब इसको तुम तोड़ो सिल्टच से, फिर दोबारा आ जाएगा, इससे करके तुम बना सकते हो ऑटोमेटिक ओके ना। और ये फिर भी ठीक ही लग रहा है, रहने देते, कोई टेंशन नहीं है ओके ना। तो ये दिखा दिया मैंने, और बताता हूँ क्या बताना है इसमें, कुछ बताने लायक नहीं है। तो और गाइस, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा तुम लोग को अच्छा वीडियो दिखाने की कोशिश करूँ, बट अब तो आपका लाइक और कमेंट देख के ही पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो यार एक प्यारा सा एक लाइक कर देना, और लाल बटन जो दिख रहा है वो सब्सक्राइब वाला, जिसने तो अभी लाल बटन को चेंज नहीं किया है तो प्लीज़ यार चेंज कर दो कलर दबा के उसे। और हाँ बस इतना ही है, इस वीडियो को भी बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, छोटा वीडियो रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तब तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।